आपने बचपन में हिंदी की किताब में कुछ कहानियाँ और कविताएँ जरूर पढ़ी होंगी, जिनमें से हिंदी की क्षितिज की किताब में ग्रामश्री, स्पर्श की किताब में पर्वत प्रदेश में पावस, आपने एक चींटी कविता पढ़ी होगी, संध्या के बाद वे आंखें, नौका विहार, ये सभी आपने पढ़ा होगा, या फिर कुछ बच्चे आज भी पढ़ रहे होंगे। तो ये सभी ग्रामश्री, पर्वत प्रदेश में पावस, नौका विहार, चींटी, संध्या के बाद और ना जाने कितनी ही कहानियाँ और कविता सिर्फ एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करती है, और वे हैं हिंदी साहित्य के महान छायावादी लेखक और कवि सुमित्रा नंदन पंत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल खरकवाल और आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के घर ले चलता हूँ, जो कि अब सुमित्रा नंदन पंत राजकीय संग्रहालय बन चुका है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौशानी गांव में 20 मई 1900 में हुआ। उनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। वह अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। उनके जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। पंत जी के पिता गंगा दत्त पंत मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के सुनराकोट गाँव से थे। कौशानी में उनका ये घर उनके पिता को ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने दिया था, क्योंकि वे कौशानी टी स्टेट के मैनेजर थे। पंत जी ने अपनी प्राइमरी शिक्षा कौशानी से की और महज 7 वर्ष की आयु से ही काव्य रचना करना शुरू कर दिया था। आगे की शिक्षा के लिए वह अल्मोड़ा चले गए। इसके बाद 1918 में अपने बड़े भाई के साथ काशी गए और वहां क्विंस कॉलेज से हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। पंत जी का प्रारंभिक नाम गोसाई दत्त पंत था, जो उनके पिताजी ने उन्हें दिया था। सन 1910 में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए उन्होंने अपना नाम बदल कर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सन 1921 में प्रतापगढ़ के काला काकर के राजा कुंवर सुरेश सिंह ने पंत जी को अपने साथ आमंत्रित किया और सन 1921 से लेकर सन 1940 तक वहीं रहकर पंत जी ने अपनी रचनाएं लिखी और 1938 में मासिक पत्रिका रूपाप का संपादन भी किया। 1950 से 1957 तक इलाहाबाद के आकाशवाणी केंद्र में परामर्शदाता के रूप में काम किया। पंत जी उत्तराखंड के पहाड़ों में पले बड़े थे, इसीलिए उन्हें प्रकृति से अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता पर भी अनेकों रचनाएं लिखी थी। यही वजह है कि उन्हें प्रकृति के कवि और प्रकृति के सुकुमार भी कहा जाता है। पंत जी को अनेकों पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1961 में पद्म भूषण, 1968 में चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। अपने मित्र लोगों के साथ बैठे हुए इलाहाबाद में रामधारी सिंह दिनकर, मैत्री चरण गुप्त, सुमृतानंदन पंत जी, पंत जी के मित्र लोग हैं। हमारी देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आगे पंत जी बैठे हुए, उनके आगे मैत्री चरण गुप्त, भक्ति चरण वर्मा, इंदिरा गांधी मैडम की पी ए रेवती देवी, उमा शंकर दीक्षित, महादेवी वर्मा जी मैडम। देश के पहले महामहिम सर्वप्रथम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके साथ पंत जी हैं। उनके पीछे खड़े हैं राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, डॉक्टर करण सिंह के पिताजी। ये इलाहाबाद आनंद भवन की फोटो है, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पैदा हुए थे। ये अमिताभ बच्चन है, उनकी माँ तेजी बच्चन, पंत जी हरिवंश राय बच्चन, अजिता, इन्होंने इनका नाम इनकल्ला बच्चन दिया था, तो पंत जी ने दिया इनका नाम अमिताभ बच्चन। ये हैं कालाधाम करके कुंवर सुरेश सिंह जी के साथ पंत जी। ये मासूम की फोटो है, ये युवावस्था की है, युवा से ऊपर की है। ये डॉक्टर नगेंद्र जी के साथ पंत जी हरिवंश राय बच्चन, अजिताभ है। ये पंत जी के वस्त्र जो वहाँ रखे हुए हैं,
वही फोटो घर है, ये डॉक है नीचे घर की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, कवित्री मैडम महादेवी वर्मा, मसरी रहन समता दत्तक पुत्री समिता इस बेटी को गुरु जाता, भगपति चरण वर्मा, पंथ जी हरिवंश राय बच्चन। पंथ जी वृद्धावस्था में आशीर्वाद ले रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन अजिता पंथ जी, ये भी पंथ जी हैं, मित्र लोगों के साथ दीप प्रज्वल कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ शिमला की फोटो है, माल रूप, ये रशिया के लोग हैं। ये पंथ जी की बाल्यावस्था की है, इसमें उनका समान है पंथ जी का हस्तलिखी रचनाएं। बचपन में अपनी बुआ के गोदी में बैठे हुए हैं। ये उनके मामा हैं मथुरादत्त जोशी पंथ जी, बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई। मासूम की फोटो है रशिया की पंथ जी, रामधारी सिंह जी का पंथ जी वृद्धावस्था की फोटो है। हरिवंश राय बच्चन अजिता पंथ जी, सुनील गांगो उपाध्याय उनकी वाई पंथ जी उनका बेटा। ये भवन जो बना पंथ जी का देहांत होने के बाद उनका पुस्तकालय रहा, ओरिजिनल घर वही है, ये अभी रिनोवेशन किया है। पहले ये भवन पूरा मिट्टी का था, अब सीमेंटेड का कर दिया। इसका अंदर के जो फर्श था वो भी मिट्टी का था, उस पर टाइल लगाई गई है। उसके बाद अंदर जो दरवाजे हैं अभी 2019 में रिनोवेशन किया गया है। इसके नीचे लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर लेंटर है, लेंटर के ऊपर पटाला है, नक्शा वही है जो पंथ जी के समय में बना हुआ था। पंत जी पूरे जीवन अविवाहित रहे, उन्होंने कभी शादी नहीं की। वृद्धावस्था में एक पुत्री को गोद लिया जिनका नाम सुमिता जोशी है, वह इस समय दिल्ली में रहती हैं। पंत जी के बारे में एक किस्सा यह भी है कि पंत जी ने ही अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ दिया था, इससे पहले उनका नाम इंकलाब बच्चन था। 73 वर्ष की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक से गुजरना पड़ा, उसके बाद मानो बीमारियों ने उन्हें घेर लिया हो। 28 दिसंबर 1977 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो ये था सुमित्रानंदन पंथ राजकीय संग्रहालय और उनके जीवन का एक छोटा सा सार। अगर आप उनके बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।